आज हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम मूत्र पान करेंगे, उसके बाद भी नहीं सुनी गई शोक व्यक्त कर रहे हैं अपने सिर पर मुंडवा करके, कम से कम हमारे दिल में ये दिलासा रहेगा कि जब मृत्यु हो गया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। जेएसएससी जेई के छात्रों का आंदोलन आज चौथे दिन में पहुंच चुका है और आज ये जेएसएससी का श्राद्ध और श्राद्ध मना रहे हैं और इसी को लेकर के विरोध स्वरूप यहाँ पर मुंडन किया जा रहा है, जहाँ ये अपने बालों की आहुति दे रहे हैं और जेएसएससी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आप देखिए फ्रेम में कैसे यहाँ पर जो छात्र हैं वो राजभवन के समीप बैठे हैं और ये अब विरोध स्वरूप अपने बाल को दान कर रहे हैं और इनका मानना है जेएसएससी इनके लिए मर चुका है। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो अंतिम यात्रा की भी जेएसएससी की तैयारी की है और ये सुबह से ही लगातार तैयारी चल रही थी और अब देखिए कि छात्र जो है अब अर्धश्राद्ध छात्रों का कर रहे हैं और विरोध स्वरूप बाल अपना दान कर रहे हैं। ये भीड़ भीड़ समझिए या ये भीड़ का जो आक्रोश है उसे समझिए कि लगातार इतने दिनों से अपने रिजल्ट की मांग को लेकर धरना आंदोलन ये लोग करते आ रहे थे लेकिन सरकार फिर भी कुछ सुन नहीं रही थी, इसको लेकर इन्होंने आमरण अनशन करने का फैसला लिया और आज ये चौथा दिन है जब इनके छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए सर, हम लोग पिछले 5 महीने से परेशान हैं, हम ही लोगों के आह्वान पे सरकार ने TCS से हमारा परीक्षा बीते अक्टूबर को करवाया, वही TCS जब केंद्र में 6-7 लाख बच्चों का परीक्षा लेता है तो एक हफ्ता में रिजल्ट आता है, यहाँ आज 4-5 महीने बीत गए और हम लोगों का कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा। अंत में हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि इस राज्य में आयोग की मृत्यु हो गई, तंत्र की मृत्यु हो गई, तो जब किसी का मृत्यु होता है तो हमको सब यात्रा निकालना पड़ता है, हमको शोक जताना पड़ता है, हमको श्राद्ध करना पड़ता है, तो हम लोग आज सब यात्रा निकाल रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं अपने सिर पर मुंडवा करके, कम से कम हमारे दिल में ये दिलासा रहेगा कि जब मृत्यु हो गया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। आज हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर कोई जिंदा है, तंत्र जिंदा है, आयोग जिंदा है, तो इधर उधर भटकते रहते हैं। ये जेएसएससी का है, आयोग का है। सर देखिए, आज हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं, अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम मूत्र पान करेंगे, उसके बाद भी नहीं सुनी गई तो आगे की रणनीति तय करेंगे और आप सभी मीडिया भाइयों को बताएंगे। बाल भी मुंडन करवा लिया, इतना विरोध क्यों, क्या कारण है? सर आखिर करे तो करे क्या, संवैधानिक दायरे में रह के हम विद्यार्थी अहिंसा के रास्ते पे चल के जो किया जा सकता था हर चीज की है, चाहे माननीय विधायक हो। दूसरे तरफ आपके जो साथी हैं उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है भूख हड़ताल के कारण, कोई डॉक्टर नर्स यहाँ पर उपस्थित नहीं है क्या? देखिए झारखंड में युवाओं का, छात्रों का बहुत बुरा हाल है, ये उसका एक प्रतीक है। आप लोग यहाँ जो देख रहे हैं ये हम ये 50-80-100 विद्यार्थी को नहीं देख रहे हैं, ये झारखंड की तस्वीर है कि यहाँ आयोग का मौत हो चुका है, यहाँ बच्चे बीमार हो चुके हैं, पढ़ते पढ़ते आयोग पढ़ते पढ़ते बच्चे बीमार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, 8-9 साल के बाद एक परीक्षा आता है, 3-4 साल तक लगातार होता है और परिणाम नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि हम लोग जाए तो जहाँ कहाँ, करे तो करे क्या, क्योंकि 19 में जब ये हेमंत जी की सरकार आई थी तो हम युवाओं ने आगे बढ़ चढ़ के भागीदारी की थी, इस सरकार को लाने का जो कार्यक्रम था उसमें थे, लेकिन अब क्या करें, अब ये नहीं समझ में आता है। अच्छा आप आधा बाल छिलवाए हैं जी, ये अर्ध श्राद्ध है, अभी भी हम लोगों को उम्मीद है थोड़ी बहुत कि सुनवाई होगी, अगर वो भी नहीं हुआ तो पूरा श्राद्ध करेंगे, ये अर्ध श्राद्ध है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये तो आज श्राद्ध का कार्यक्रम रहा,
सरकार की तरफ से कोई नहीं है, आयोग की तरफ से कोई नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी छात्रों की, पहला सवाल। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो छात्र है इसके अलावा कितने लोगों ने इसका फॉर्म भरा था और कितने लोग इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? देखिए सर, अगर आज के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम कल पूर्ण श्राद्ध करेंगे, उसके बाद उसके अगले दिन हम लोग मूत्र पान करेंगे ताकि हम अपना विरोध दर्ज करा सके। हाँ, हमारी टोटल 1562 पद पे नियुक्ति होना था, जिसमें बहुत सारे 70-80 हजार बच्चे परीक्षा दिए हैं, तो लगभग सारी सभी लोग वेट ही कर रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं। उस 50-60 हजार 70 हजार बच्चों में 40 हजार झारखंड के होंगे, बाकी बाहर के होंगे, तो वो इंतजार कर रहे होंगे कि परिणाम आएगा, परीक्षा में होगा तो डीबी करवाएंगे, नहीं होगा तो दूसरे परीक्षा का तैयारी करेंगे। हम लोग की बात कहीं नहीं सुनी जा रही है, मंत्री, एमएलए, जेएसएससी, कहीं हमारी बात नहीं सुनी जा रही है सर। तो हम लोग ये सोच रहे हैं यदि जिंदा लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है तो कम से कम हम लोग के लिए आयोग मर चुका है सर, उसी के शोक में हम लोग सरपाल छिलवा रहे हैं सर। अच्छा, अभी तक सरकार के तरफ से या आयोग के तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, आगे क्या रणनीति है सर? आगे क्या रणनीति होगी सर, अभी हम लोग देखते हैं क्या करेंगे सर। लेकिन आज तो केवल श्राद्ध कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं सर। हम लोग सर हर जगह जाते हैं सर, एमपी के पास गए, मंत्री के पास गए, वहाँ से यही बोला जाता है कि बस कि कहीं फंसा हुआ है, लेकिन मीरा सिन्हा सर हम लोग पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे सर। जैसे आज आप लोग श्राद्ध कर रहे हैं, इधर आपके जो साथी हैं उनका तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से आयोग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, क्या लग रहा है कि छात्र और आयोग सरकार को नहीं सुन रहा, नहीं देख रहा है? सर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा सर, क्योंकि हम छात्र ही सर भविष्य है सर, यदि भविष्य नहीं होगा तो क्या होगा सर। बस The followup.in. Like.